बड़ा मत तेरे इसलिए फुटबॉल टीम ब्लैक छोटे फुटबॉल टीम अब दक्षिण तेरे एसएससी रुआ जी जहां तक गोलकीपर के बात की बिल्कुल ऐसी ब्लैक के गोलकीपर की तरह का टाइप प्रत्येक से इस मैदान में लेफ्ट के बड़े टूर्नामेंट खेलने वाले टीम आते हैं इस साल भी कम से कम लेफ्ट के बड़े दो खिलाड़ी स्टार खड़े हमारे सामने आता हुआ ग्यारह के जसवर चौके डूडू जिस वक्त टी एन सी एस गांधी साहब राजनगर के लेफ्ट के टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज 10,000 की इनामी राशि को अपने नाम किए और 10,000 देश में रोहन टीम के लिए दिनेश किस्को जिन्होंने थाली के मुकाबले में एक दमदार गोल मारे दूसरा गोल उनका एसिस्ट था मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किए हैं अच्छा लगता है कि दोनों बड़े इनाम हमारे पूर्व सुनो के लिए खड़े अपने नाम किए हैं ध्यान से होते तो निश्चित तौर पर आप अच्छे से खेल को प्रोडक्ट कर पाते हैं सिस्टम बड़ी बात होता है राहुल राज्यमंडल सुजय मार्डी में वसंत मुर्मू चौकी बड़ू पुलिस मार्डी है थर्ड लाइन में जहां तक बात श्याम मुर्मू और जगदीश टीम के साथ जुड़े हैं राम टीम के अगर बात की जाए तो गोलकीपर कुंडू मुर्मू है डिफेंस लाइन की अगर बात की जाए अनुभव डिफेंडर के रूप में अनिल मुर्मू मैन डिफेंडर की भूमिका का अदा कर रहे राइट डिफेंडर में प्रकाश मोदी थे लेफ्ट डिफेंडर में विशाल मार्डी हाफ लाइन की अगर बात की जाए जगन्नाथ मौजूद है इनके साथ साथ सात नंबर जिसमें सांत हमरम है मुन्ना पाकर जैसे नंबर आठ पर वहीं अगर बात की जाए में दिनेश किस्को 10 नंबर की जैसे 11 नंबर में सहाय सर है तो एस एस सी रोहन टीम में एबीसी जगन्नाथपुर जैसे बड़ी क्लब का जूनियर खड़ी टीम के साथ जुड़ा हुआ है ये मुन्ना पाकर अगला मैच जो होगा 12 नंबर का मैच होगा खेलने के लिए रेडी रहेंगे किसको ब्रश की टीम अब मुकाल होंगे इंडियन आर्मी एफसी आप पूरी तरह रेडी में रहेंगे आपका खेल का टाइमिंग 2:19 राइट टाइम में खेल शुरू होगा लोकल फुटबॉलर यूट्यूब चैनल के यूट्यूबर बंकिम सागर यूट्यूब चैनल के यूट्यूबर जुड़े हैं और दो यूट्यूबर जो है आप लोग अपना नाम चैनल का नाम बता देंगे टाउन एरिया के जितने भी जो यूट्यूबर होते हैं जब प्रोग्राम में जुड़ते हैं सबसे पहले मेरे पास आते हैं मिल लेते हैं अगर नया कमेंट नया यूट्यूबर रहते हैं तो लोग अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिख के जमा देते थे जब आपका चैनल का नाम कमेंट कर नहीं लेते तब तक चैनल जो है आगे नहीं बढ़ता आपका चैनल गुमनाम रहता है इसलिए मैं ये चाहूंगा जितने भी यूट्यूबर है किसी प्रोग्राम में जाते हैं सबसे पहले आपका चैनल का नाम आप लोग
कमेंट को लिख के जमा देंगे या कमेंट को लिख के जमा दे देंगे। लोकल फुटबॉलर में लाइव प्रसारण भी हो रहा है हमारे ये प्रोग्राम, जितने दर्शक हमारे प्रोग्राम में जुड़ नहीं पा रहे वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। हमारे कमेटी के सदस्य ध्यान देंगे मेडिकल की ओर से जो आप शब्द का प्रयोग है जिस व्यक्ति को मना कर दिए, आप शब्द का बोलना बिल्कुल ही मना हमारे इस प्रोग्राम में। हम लोग देख रहे सामने में घर कब से बसा हुआ है, यूट्यूबर जुड़े हैं, बहुत अच्छा माता अच्छी शॉट, लेकिन यहाँ पर निशान गलत पार करने के यहाँ पर बॉल को गोल पोस्ट में रख पाते। आउटपुट इन सिम केक भी लेते तो बहुत बन जाता, लेकिन तारीफ करना चाहूंगा पार्ट गोल पर जयसिंह, जयसिंह को जिन्होंने सही समय पर आगे बढ़े तबाव डाला था जो साथे हमारे ऊपर। बहुत अच्छी कोशिश लेकिन बेहतर बचाव गोलकीपर के द्वारा। देखते हैं हम लोग उस तरह के कंडीशन में बॉल टॉस नहीं हुआ, ये अपील करते हैं अच्छी ईमानदारी खेल को खेले राहुल। विधिकल तैराक का ओडिशा के टूर्नामेंट में भी ये बहुत ही बेहतर खेल को खेल रहे थे राहुल। जागला मैच से 12 नंबर का मैच है, खेलने के लिए रेडी रहेंगे किसको ब्रश की टीम, मुकाबला होंगे इंडियन आर्मी एफसी।
दवाखाना है करने पड़ा आपने के बाद दक्षिण ब्लैक सुगर की टीम एक अच्छे अवसर है कोनापुर में गोल लगने का ब्लैक शूटर के पास बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण की तरह ग्राउंड के अगर बात की जाए तो चमा के साथ के लिए गोल गोल को जमा कथा कुमड़म चलाम चला शिल्पी कटे सही पाटा सिकड़ी हटा निजे टीम जब गोल के लिए आगे बढ़ते हैं तो डिफेंडर को अपना पोजीशन नहीं गवाना चाहिए था भरपूर काउंटर अटैक का लाभ उठाया पद रोहन टीम के खिलाड़ी ने आप पिछले मैच में भी आपने सभी दरबार टीम को हराए थे रोहन ने ज्यादा बात के लिए रोहन पिछले मैच में लामा को था जो सरायकला डिस्ट्रिक्ट के सबसे इनफॉर्म टीम ब्लैक ईगल का टीम सरायकला की टीम तो लामा कोटा के फाइनल से लाइट हाउस टीम को प्लेटिंग शूटआउट में हरा कर एसएससी रॉ टीम को जीत मिले नाम ही काफी रॉ देखने वाली बात है आज ब्लैक शूटर क्या कर पाते हैं मजे हुए टीम एक दमदार टीम और सुनी का मुकाबले गोल से पिछड़ा हुआ है ग्राउंड लेवल नामो ग्राउंड 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 लेफ्ट साइड बोलो ये पोटो से जा रहे राउंड देखने को मिले
कुछ कुछ अच्छे अच्छे टीम भी हमारे टूर्नामेंट से हर तरफ बाहर हुआ है। जो खेल मास्टर पहली बार हमारे मैदान में देखने को या सुनने को मिले ऐसी कोई बात नहीं, टूर्नामेंट में होता है, लेकिन अब तक एक गोल से आगे हैं एसएससी रोहान की टीम। क्या आपको लगता है कि बचे समय में ब्लैक सदर की टीम वापसी कर सकते हैं? जी अपना शरीर में कहा जाए तो खेल बहुत ही गंदा हो रही है और एक ऐसी टीम जो शून्य से पिछड़ रही है वह ब्लैक शुगर हमारे जामपुरा क्षेत्र की बहुत ही चर्चित टीमों से जानी जाती है। बड़े बड़े टूर्नामेंटों में अपना एक अलग छाप छोड़ा है, मगर सामने एस एस सी रुआ जिसमें कई युवा खिलाड़ी साथी हैं उन्होंने ब्लैक शुगर टीम को सोचने में मजबूर किया है। मगर जहाँ तक ब्लैक शुगर की बात है तो कई प्रतिभावान खिलाड़ी मौजूद हैं, हो सकता है कि समय का अगर सही इलाज किया जाए तो शायद मैच की बराबरी भी जरूर ला सकते हैं और प्रयास जरूर करनी चाहिए क्योंकि ये दूसरे चक्र का मैच है। इस मैच में अगर जीत दर्ज हो जाती है तो आप क्वार्टर फाइनल में जगह बना लेंगे, जो समय बची हुई है उनके पास उसका पूरा पूरा उपयोग करना चाहेंगे। तो ये साथी का नाम हमारे इनाम सिंह मंच पर आया है, एक है जयात राजपूत ऑनर है राशन माटी और दूसरे है थ्री इडियट फुटबॉलर जिसमें भूषु सोरेन ऑनर है। मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सभी एक यूट्यूब चैनल के यूट्यूबर हैं और जन जन तक आप फुटबॉल के कार्यक्रम के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी हमारे दर्शकों के दर्शकों तक पहुंचाते हैं जो एक सराहनीय प्रयास है। आप सभी को हम चाहेंगे कि आप सभी दर्शक भाई इन यूट्यूबर साथी को लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। हमारे बीच के लोकल क्षेत्र के जो भी हमारे यूट्यूबर साथी हैं उनको हमें सपोर्ट जरूर करना चाहिए। चलिए आप सभी को स्वागत है। मध्यांतर के बाद का खेल चल रहा है ऐसे में थोड़ी सी मानसिक तनाव जरूर बढ़ जाएगी ब्लैक शूटर के खेमे में क्योंकि समय धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और टीम जो है एक शून्य से पिछड़ रही है तो ऐसे में और अच्छा प्रयास था। यहाँ पर बिल्कुल टारगेट पे रखी गई थी मगर सुंदर बचाव यहाँ पर गुंड मुर्मू के द्वारा और गति बढ़ाने का प्रयास जरूर किया गया था दिनेश के द्वारा मगर सफल नहीं हो पाए। दूसरे चक्र का सेकंड लास्ट मैच है, अगला मैच बार नंबर का मैच ग्राउंड का लास्ट मैच होगा। किशोर स्टेट टीम और इंडियन आर्मी टेक्निकल जोन में आप पूरी तरह रेडी में रहेंगे। इस मैच के बाद भी एक बहुत ही अहम मुकाबला हमें देखने को मिलेगा इंडियन आर्मी और किशोर ब्रदर्स के बीच। इन दो दलों ने भी प्रथम चक्र के मैच में तहलका मचाया है, हमारे दर्शकों को खुश किया है और हमारे तमाम दर्शकों के समर्थकों की उम्मीद जो है इन दो दलों पर टिकी हुई है। एक अच्छा मैच हमें फिर से देखने को मिलेगा। फिलहाल मैदान पर एक शून्य से आगे चलते हुए एसएससी रुआ की टीम एक जवाब जरूर दिख रही है एसएससी रुआ के खेल में मगर एक बात है उनके पास दर्जी अमूमन ऐसा हो ही जाता है जब आप एक मजबूत टीम को गेंद डाल देगा। चलिए तो बॉल के बॉल ने बॉल को बड़ा जहर कर दिया है फिर कर बोले श्याम मुर्मू के द्वारा एक बेहतरीन गोल। दोनों
लेकिन ये जो गलती रहा, ये गलती वो चर्चा का विषय रहेगा। खेल रहे अभी जहां तक बैट्समैन बनता हुआ बना दे जैसे बाजी तो मुझे मिट्टी गलती से गोल बिन जमा तो वहां तक पूरा पूरा चर्चा रहता है। तो लगभग खेल के अंतिम समय में अच्छी वापसी यहाँ पर श्याम वर्मा के द्वारा चलिए यहाँ पर ब्लैक शूटर के जो समर्थक थे काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि टीम वापसी कर ले, तो यहाँ पर वापसी करने का मौका जो मिला था उनको सफलता में तब्दील कर दिया है और फिर कोई रोमांच फिर से बढ़ चुका है। एक एक की बराबरी पर आ चुकी है, काफी सारे मैचों में फिर देखा गया है एक के मुकाबले कहा जाए तो एक और दो के सूरत में हम देखे हैं। अरमान एफसी की अगर बात करें तो प्रबल दावेदार मानी जा रही थी गत वर्ष की चैंपियन टीम सगुन ब्रदर्स के साथ शुरुआती चरण में ही एक बढ़त बनाई थी मगर जवाबी हमले में दो बढ़त बनाने के बाद टीम जो है अगले चक्कर में प्रवेश पाई है। तो काफी सारे लड़ते हुए मैचों में और होना भी चाहिए मैच का जो रोमांच है वो पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं। ऐसे शुरुआत यहाँ पर मुन्ना के लिए गेंद डाली गई है, जिसने भी पा रहा शोर बदला गया है। फिर से धीरे धीरे अपने लय को बरकरार रखना चाह रही है ब्लैक शूटर की टीम और यहाँ लंबी क्लियर जरूर हुई है और यहाँ पर मौका था दिनेश के लिए गोल रक्षक आगे निकल आए उसी का खामियाजा आ जाए यहाँ पर देखने को मिला दिनेश के लिए। अगर गोल रक्षक आगे नहीं आते तो फिर एक सुनहरा मौका मिलता। फिलहाल अच्छी गोल कीपिंग ब्लैक शूटर के खिलाड़ी जयसिंह के द्वारा अपनी बढ़त को दो गुना करने का एक मौका गवाए हैं दिनेश। यहाँ पर थोड़ा सा समय जरूर लिया पुलिस मगर नतीत ने किक लगाई थी गोल पोस्ट को चूंकि ही सीमा रेखा के बाहर गई। बहुत ही काफी प्रयास यहाँ पर दोनों ही दलों के पास मौके बन रहे हैं अपने स्कोर को बढ़ाने का। यहाँ पर पुलिस के लिए भी एक मौका था एक अच्छा प्रयास जरूर था यहाँ पर वही अच्छे दल के खिलाड़ी दिनेश जसन को दस के पास भी एक मौका बना था तो मौके की कमी नहीं है और ये मौका आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि खेल के समय में बढ़ोतरी हुई है। आपको आधे घंटे का समय दिया गया है और हम बात कर ही रहे थे इससे पहले भी कि जब शुरुआत अच्छी हो तो अंत अच्छी होती है। सभी टीमों ने समय के अनुरूप और प्रथम चक्र के मैच में नेक्स्ट मैच के लिए दोनों दल हमारे टेक्निकल जोन पर चले आएंगे। इंडियन आर्मी दल Yeah.